आ जाओ आ जाओ। ये कैसी जगह है रे बाबा, बाइक तो घिचपिच होने वाली है। तुम तो ड्रैगन लग रहे हो, अकेले चल रहे हो तो इस बाइक पर। चेक करो भाई चेक करो, ये कैसा पेड़ है। तो गाइस सिंचन का यहाँ पर एक और दोस्त मिल चुका, देखो वो बैठा और सीधी कला मंडी वहां लगी और देखो कैमरा भी खुल के यहाँ जाके पड़ा। सो हेलो रिमोर्म, स्वागत आप सभी का आज के मेरे एक और नए वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप सो के सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फाइनली भाई लोग आज अपन लोग एक राइड के लिए जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोगों को वीडियो में आगे पता चलेगा भाई कहाँ जाने वाले। सो गाइस जस्ट मैं अभी राइड पे निकलने वाला था तो सिंचन को मेरे पास में कॉल आया, तो उसने मुझसे बोला कि मुझे आई थिंक 45 मिनट और लग जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यार 45 मिनट रोड पर खड़ा होने से अच्छा है कि लेट कर वेट कर लेता हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं और उसके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। इधर भाई आप देख सकते हो फोन चार्जिंग पर लगा हुआ और मैं वीडियो भी एडिट कर रहा था, तो वीडियो एडिट करते करते मुझे नींद से आने लगी तो इसलिए मैंने फोन को साइड में रख दिया। तो जैसे ही सिंचन कॉल आया तुरंत मैं यहाँ से निकलूंगा। ये जो आज वाली जो राइड है ना, उसने मेरे पास में कल शाम को कॉल किया था, उसने मुझसे बोला था अर्ली मॉर्निंग चलेंगे, बोले तो 5 या 6 बजे के बीच में यहाँ से निकल जाएंगे और धनौल्टी साइड चलेंगे। सुबह 5-6 बजे निकलने का प्लान उसने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। और अभी का टाइम देख लो भाई, दोपहर के 1:36 हो रही है। मतलब यार कितना लेट कर दिया यार ये लड़की। सुबह बोलने के बाद में ना कॉल किया ना कुछ। अब मैंने जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया उसके बाद में कॉल किया तो मुझसे ये बोला गया है कि 45 मिनट और लग जाएंगे। अभी दिल की फीलिंग थोड़ी समझ लो किस तरीके से भाई राइड वगैरह हो रही है आजकल हमारी। और सच बताऊं ना सिंचन घर पे कुछ नहीं कर रही होगी अपने पर, फोन में लगी हुई होगी पक्का। 4:18 हो रही हैं और ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी पता नहीं। तो भाई साहब धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी आज ही फिर से। ओके स्टार्ट होगी स्टार्ट। तो पैसे वैसे आएंगे, बैटरी बदलवाऊंगा, मीटर तो क्लीन कर ही लेते हैं यार क्योंकि मीटर चमकता है तो सब कुछ नया सा दिखता है। सो गाइस अभी अपन लोग निकल चुके हैं भाई राइड के लिए और रोड देख रहे हो भाई पूरी गीली हो रखी है और अभी बारिश बंद हुई है। और टाइम मैंने आप लोगों को दिखाई दिया भाई कितना हो रहा है, बारिश तो अभी आधे घंटे पहले शुरू हुई थी और अब बंद भी होगी, धीमी धीमी हो रही है। बट भाई हमको ऐसे वेदर में ही माउंटेन्स के ऊपर जाना है तो इसीलिए जा रहे हैं भाई, बारिश का प्यारा वेदर है। और भाई सिंचन ने बहुत ज्यादा लेट कराया आज, आई थिंक पेट्रोल पे खड़ी आगे सिंचन। एंड भाई लोगों बाइक तो घिचपिच होने वाली है क्योंकि चारों तरफ भाई कींची कींच हो रखी है, पानी पानी हो रखा है। सो गाइस यहां पर सिंचन ही मिल चुके, ये रही पेट्रोल लगा रही है अपनी बाइक में। कितने का? 200 का। गरीबी आ गई क्या? देखो कैसे स्टार्ट करनी पड़ती है। भाई साहब ये ना चल रही, बैटरी की वजह से बंद हो रही है ये तो। तो भाई साहब रीमो अपनी बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रही है, पैसा अपने पास है नहीं और ये बैटरी की डिमांड कर रही है भाई। सिंचन खाने की डिमांड करती है, ये पेट्रोल बैटरी टायर चैन सेट सर्विस ऐसे चीजों की डिमांड करती है। और सिंचन की सिर्फ एक ही डिमांड होती है, खाना 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 खाना। इसकी भी डिमांड पूरी करो, सिंचन की भी डिमांड पूरी करो, थोड़ा सपोर्ट अपोर्ट करो यार जिससे कि हमारी भी राइड वाइड स्टार्ट हो जाए। अगर इस वीडियो पे भाई आप लोगों ने 1000+ लाइक करा दिए तो पक्का यार अपन लोग एक नेपाल की राइड का प्रोग्राम बना देंगे। भाई यहाँ तो पानी पानी हो रखा, वो तेरी भैंस की पूछ यार, गाड़ी वाले पता नहीं क्या सोचते भयंकर अपने आप को। पानी दिख रहा सामने से, बाइक भी आ रही है भाई उसके बाद भी फास्ट लेकर जा रहे हैं। भाई अगर तुम 4-व्हीलर में बैठे इसका मतलब ये नहीं है कि भयंकर किसी को भी शान कर जाओगे। ओ भाई देख रहे रीमो की पावर। ओए होए 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 क्या बात क्या बात क्या बात रीमो। थोड़ी सी चल जाएगी ना रीमो तो उसके बाद में बैटरी चार्ज हो जाएगी थोड़ी बहुत। खड़े खड़े डैड हो जा रही है आजकल इसकी बैटरी। तुम तो ड्रैगन लग रहे हो, अकेले चल रहे हो तो इस बाइक पर। भाई चेक करो लुक किस तरीके का आ रहा है इस लड़की का। सो गाइस अभी प्यारे से वेदर के साथ में अपन लोग निकल चुके हैं भाई एक लंबे डेस्टिनेशन के लिए, लंबा बोले तो 1 घंटे की दूरी पर जाएंगे जहां तक भी पहुंच सकते हैं और जाएंगे भाई धनौल्टी साइड। तो इस साथ में अपन लोग आगे तरफ बढ़ चुके हैं, सिंचन नोहारा मेरे साथ है, पीछे पीछे आ रही है। एंड भाई वो अपने जितने पुराने सब्सक्राइबर है ना उनको पता होगा हमने स्टार्टिंग में एक कैंपिंग की थी उस पहाड़ के ऊपर, तो उधर ही जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम आज। और भाई बॉर्डर क्रॉसिंग भी मिलेंगी, बारिश ही मिलेगी, एडवेंचर ही मिलेगा, रास्ता प्यारा ही मिलेगा, ऑफ रोड ही मिलेगा। हे गौ माता तुम इधर भी आता, अब तो तुम्हारे लिए हरा हरा घास बहुत सारा हो जाता। सिंचन यहाँ का ना नक्शा ही बदल गया पूरा, देख रहे हो हरा ही हरा हो रखा सब कुछ। क्या कर रही है ये? अच्छा अच्छा साइकिल वाले कॉपी कर रही है भाई ये। देख रहे हो देख रहे हो भाई, सच में यार बहुत दंगली है बहुत दंगली है। ये क्या कर रहे थे तुम? साइकिल चला रहे तुम तो बाइक पर हो, कॉपी क्यों कर रहे हो उसे? देखो 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 देखो, अरे चलो यार साइकिल साइकिल, ओ बाबा साइकिल साइकिल, सिंचन नोहारा दंगली है हमारा। ये देख रहे हो भाई पूरी हवाबाज लड़ी है ये। हाँ जी
हाँ तो भाई सिंचन के फॉलोवर है, तुम्हारे फॉलोवर है ये ये बोल रहे हैं ये बॉय मेटा मैंने इनकी वीडियो वायरल होती है अक्सर बाइक पर, तुम तो फेमस होते जा रहे धीरे धीरे करके। कुछ इस तरीके का रास्ता, और भाई जब बारिश हुई थी ना तो इधर से फ्लड आया था बहुत भयंकर वाला। कि भाई ये जो हम छोटी छोटी राइड कर रहे हैं ना ये सिंचन की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अपन लोग दोनों बाइकों को लेकर जाने वाले हैं जब भी राइड पे जाएंगे तब, तो सिंचन की प्रिपरेशन एंड सिंचन की तैयारी भी होनी जरूरी है। क्योंकि भाई लोग उसने लद्दाख में बाइक तो चलाई थी, उस समय पर बाइक के पीछे मैं बैठा हुआ था, तो उसे अकेले में प्रैक्टिस चाहिए, तो इसलिए भाई अपन लोग छोटी छोटी राइड कर रहे हैं आजकल। और ये रास्ता भी यार बहुत प्यारा है, आगे इस रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे व्यू है, बस ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोगों को कवर करनी पड़ेगी। सीनिक व्यू आ रहे हैं भाई, बहुत प्यारे प्यारे व्यू आ रहे हैं, नजारे देखो। तो गाइस सिंचन का यहाँ पर एक और दोस्त मिल चुका है, देखो वो बैठा, सिंचन तुम्हारा दोस्त डर गया, वो कैसा दोस्त है तुम्हारा, डर गया तुमसे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, हम तो भाग गए, दोस्ती कहाँ से करेगा, किधर है ये रहा भाई सिंचन का दोस्त, अब नहीं बनना तुम्हारा कोई दोस्त, आओ चलो चलते हैं निकलते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो भाई सिंचन को देखो भाई खड़े होकर चला रही है, एंड भाई लोगों कैमरा का एंगल बताना बिल थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं आ रहा, बरसात के दिन चल रहे हैं, आप लोगों को बता भी बरसात के दिनों में ग्रीनरी जो होती है ना बढ़ जाती है, ये बात ये देख रहे भाई सिंचन नवारा को हल्की सी लग रही है बाइक के ऊपर, बिल्कुल छोटी सी चुन्नी थी। तो गाइस हमारे ब्लॉग में आगे बहुत ज्यादा कॉमेडी दिखने वाली है आप लोग, तो आने वाले ब्लॉग होंगे ट्रैवलिंग पर, क्योंकि हम दोनों लोग ना दोनों बाइकों को साथ में लेकर जाने वाले हैं। और आपकी कोई भी राय ना तो कमेंट्स करके बता दिया करो क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि भाई लोगों अकेला मैं ही सोचता हूं सारी चीजों को और सारी चीजों को प्लान मैं ही करता हूं, तो और हमारे साथ में जो और बंदे ना वो हमारी फैमिली के मेंबर बोले तो हमारे सब्सक्राइबर ही है, तो यार आप लोग सजेस्ट किया करो कि ये करो वो करो इस तरीके से करो उस तरीके से करो, ये बात भाई ऐसा ना इसकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। और भाई यहाँ से देख सकते हो ये नीचे लैंडस्लाइड हुई है, और भाई बरसात के दिनों में ना माउंटेन बहुत ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर आप बरसात के दिनों में माउंटेन्स में घूमने आ रहे हो तो उसको हमेशा इग्नोर ही करना। और भाई साहब आगे चेक करो भाई कितनी जोर से बारिश पड़ रही है, लोहारा आगे तो बारिश है, आगे बारिश दिख रही है, तो गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं एक और प्यारी सी लोकेशन पर, चेक करना चाहोगे तो ये नजारा चेक करो भाई, पानी पानी प्यारा प्यारा। सो गाइस यहाँ पर प्यारे से व्यू के लिए रुका था, और सिंचन को देखो भाई क्या कर रही है, ओ हेलो क्या करके मानोगे, कहाँ से आया ये, किसका आई है, किसका आई है, ये मेरा दोस्त है, तुम बड़े दोस्त बनाते हो। तो भाई लोग इधर से आए, ये डॉगी पता नहीं कहाँ से और बहुत प्यारा सा है, चलो यार चलो आओ चलो पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। सो गाइस यहाँ से निकल चुके हैं, और सिंचन का दोस्त भाई सिंचन के पीछे पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहा, ये देखो ये आ रहा, अरे बाय 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 बाय, मता मता यहीं रह, तेरा घर यहीं कहीं होगा आई थिंक, किसी का फालतू है। भाई साहब ये पेड़ कैसे दिख रहे हैं भाई, चेक करो भाई चेक करो, ये कैसा पेड़ है, जानवर नहीं है पेड़ है। सो गाइस धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं भाई, और बादल इतनी हाइट पर जाएंगे आज अपन लोग, मजा आने वाला भाई मजा आने वाला, सुकून तो रियली में यार इस साइड में, मसूरी साइड में क्या रखा है, उधर तो भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक होती रहती है, बट अगर आप देहरादून घूमने आ रहे हो ना तो ये जो ऑफ बीट लोकेशन है ना इनको एक्सप्लोर किया करो, क्योंकि भाई लोग सुकून मिल जाएगा आप लोगों को अच्छा वाला, अगर आप लोगों को सुकून चाहिए तो। एंड इधर रिजॉर्ट वगैरह भी बहुत सारे बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, रुकने खाने पीने कोई दिक्कत नहीं है इधर, ये कैसी जगह है रे बाबा, पानी पानी सिंचन को याद आएगी नानी,
पानी पानी सिंचन को याद आएगी नानी। ओहो ये उड़ा उड़ा के निकाल ले भाई ये लड़की तो। ओए होए होए क्या बात। जस्ट अपन लोग पहुंचने वाले इस लोकेशन पर जा रहे हैं। ओ भाई साहब यहाँ तो बादल ही बादल हो गए नीचे। भाई साहब बादलों जितनी हाइट पर आ चुके हैं अपन लोग। नुहारा कम से कम बता देते कम से कम कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए तुम गिरने वाले हो यार। तुमने मुझे गिराया? मैंने गिरा भाई, रील शूट करा रही थी यहाँ पर बाइक में, यहाँ पैर लगा और सीधी कला मंडी वहां लगी और देखो कैमरा भी खुल के यहाँ जाके पड़ा। ये लड़की पता नहीं क्या करती रहती है भयंकर।